आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष, आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भीकाजी कामा और गोसाई भाई पटेल की, और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की। लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। आज ही के दिन गुजरात के स्वाधीनता सेनानी गोसाई भाई पटेल ने मतवाड़ में 3 राष्ट्रवादियों की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सिपाही से राइफल छीन ली और राइफल के बट से प्रहार किया था। हालांकि गोसाई भाई गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहे। गोसाई भाई और उनके मित्रों ने पुलिस थाने पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाने में सफल रहे। गोसाई भाई पटेल सफल राजनेता बने। उन्हें 3 बार गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने दांडी में विकास कार्य भी कराए। बाद में गोसाई भाई पक्के गांधीवादी बनकर उभरे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पे अनेक पुस्तकें लिखी और 90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु पर्यंत समाज कार्य से जुड़े रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन 1639 में तत्कालीन मद्रास की स्थापना हुई, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास की स्थापना स्थानीय नायक शासक से खरीदी गई जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी।
71 साल पहले आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्रता सेनानी शोएबुल्ला खान को कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने गोली मार दी थी। शोएबुल्ला खान इमरोज पत्रिका के संपादक थे। शोएबुल्ला कासिम रिजवी के स्वतंत्र हैदराबाद के विचार के खिलाफ थे। वे इस बात के पक्षधर थे कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो। शोएबुल्ला के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उनके नाम पर पत्राचार के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने की शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार।